दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को सीएम आवास विवाद मामले में सीबीआई द्वारा पीईएफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज दिल्ली स्तब्ध है। दिल्ली ही नहीं, मुझे लगता है कि सरकार और राजनीति में रुचि रखने वाले देश का हर तबका स्तब्ध है। दिल्ली हुए इस अपराध और भ्रष्टाचार के कारण को लेकर सभी चकित हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो अपने अस्तित्व में आने से सबसे कम समय भ्रष्टाचार का इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया हो। उन्होंने कहा कि उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि जिसने आम आदमी पार्टी के नाम से पार्टी बनाई वो उसी आम आदमी के खजाने से लूट खसोट कर यहाँ तक पहुँच गया है। बीजेपी नेता ने कहा कि आम आदमी को लूटने के लिए आम आदमी का ही इस्तेमाल किया गया है। इसमें आगे उन्होंने कहा कि मैं पहले से कह रहा हूँ, जितने भी घोटाले दिल्ली सरकार में पिछले 10 सालों के दौरान हुए हैं वो आप नेता के इशारे पर ही हुए हैं। चाहे वो कोई भी घोटाला ही क्यों ना हो, इसमें संलिप्त लोग जेल में जाने वाले हैं, जेल में चले गए हैं या जांच के घेरे में ही क्यों ना हो। मुझे लगता है कि सीएम आवास निर्माण को लेकर दिल्ली के लोगों को भरोसा है कि इसमें तो पर्दे और टॉयलेट की करोड़ों रुपए ही लगे हैं और अब सीबीआई की जांच में सच का पता चल जाएगा। पी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसी स्थिति में जिसमें आप नेता ने 2013 में सादगी का दम भरा, ऐसे सादगी का दम ही अच्छे अच्छे भुलावे में आ गए। वो व्यक्ति 2022 तक आलीशान महल में रहने का सपना पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं कर डाला। 2020, 2021 और 2022 का दौर देश के लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान और मजबूर थे। उस समय दिल्ली सरकार आलीशान महल बनवाने में व्यस्त थी। इसलिए हम सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं। सीबीआई जांच से ही पता चलेगा कि फाइल क्यों चुराई गई है। जांच होने से सही मायने में सीबीआई तह तक जाकर गलत लोगों को सजा दिलाने का काम भी करेगी। दिल्ली में चल रहे इस केस पर लगातार हम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।